Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel, PC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numericals. This is the NCERT based exercise problem which I have taken from Class 9th, Chapter 11, Work and Energy. बहुत ही इंपॉर्टेंट numerical है. क्या है numerical? आप मेरी back screen पर देख पा रहे हैं. और इस तरह के जो numericals हैं, 2-2 marks के examiner आपके final exam में put up करता है. तो कैसे solve करने हैं इस तरह के numericals? आज इस video के through मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा. नाउ व्हाट इज दिस न्यूमेरिकल, मैं रीड कर रहा हूं. द न्यूमेरिकल इज ए हॉर्स एक्सर्ट्स ए पुल ऑन ए कार्ट ऑफ 500 न्यूटन एंड फॉर न्यूटन सो दैट द हॉर्स कार्ट सिस्टम मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. What is the power delivered by the horse in watt? What is the unit of power? ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. As well as in the horse power. This is also a unit of power. Horse power. जो मैं आपसे already डिस्कस कर चुका हूँ. मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ एक बार इस स्टेटमेंट को. A horse exert a pull. On a pull means खींचना. What is the meaning of this pull? This means एक घोड़ा है और एक बग्गी है. वो घोड़ा उस बग्गी को, cart means बग्गी, जैसे cart means बग्गी कह लेते हैं, उस बग्गी को खींचता है, एक उस पर फोर्स लगा के उसे खींचता है. वो फोर्स कितना लगता है? That is 500 न्यूटन. Suppose this is the cart, मैं इसे cart ले रहा हूं. This is the cart means बग्गी है ये एक. And this is the horse. Say, this is the horse. एक घोड़ा है, वो क्या कर रहा है? इस बग्गी को एक फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है. ये वो बग्गी है मान लेते हैं. सपोज एक घोड़ा है, वो इस बग्गी को, this is the horse. And this is the cart, suppose. एक घोड़ा इस बग्गी को एक फोर्स से खींच रहा है और वो फोर्स जो है आपके पास, that is say फोर्स कितना है? 500 न्यूटन. इतना फोर्स लगा के वो इसे खींच रहा है. उससे हो क्या रहा है कि जो हॉर्स कार्ट सिस्टम है ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो वेलोसिटी आपको गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर. तो बताओ कि घोड़े ने कितना पावर डिलीवर किया इसके ऊपर? दोनों में बताना है, वाट में भी और हॉर्स पावर में भी. दोबारा सुने, ये एक कार्ट है, दिस इज द बग्गी विच वॉज पुल्ड बाय द हॉर्स. दिस इज द हॉर्स, ये इस बग्गी को खींचता है और कितना फोर्स अप्लाई करके खींचता है? That is 500 न्यूटन. तो उससे क्या होता है कि ये बग्गी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगती है. वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर. तो बताएं कि कितनी पावर डिलीवर्ड की हॉर्स के द्वारा, डिलीवर्ड की गई हॉर्स के द्वारा उस बग्गी पे, वाट में बताना है और हॉर्स पावर में बताना है. अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज हॉर्स पावर? तो मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा दूं, वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 760 वॉट. वन हॉर्स पावर, एच फॉर हॉर्स, पी फॉर पावर, दैट विल बिकम इक्वल टू 746 वॉट. 746 वॉट, नॉट 760, 746 वॉट. वन हॉर्स पावर कितने के बराबर होती है? 746 वॉट के बराबर होती है. तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को. तो कैसे करेंगे? कितना फोर्स उस हॉर्स के द्वारा लगाया गया?
हम मान लेते हैं लेट एफ बी द फोर्स अप्लाइड बाय द फोर्स टू पुल द कॉर्ड। हमने मान लिया बेटा कि इस हॉर्स के द्वारा एफ अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया गया इस कार्ट को खींचने के लिए, और उस एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 500 न्यूटन। इससे हुआ क्या, ये जो हॉर्स कार्ट सिस्टम है ये मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। लेट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स the horse cart system moves with a uniform velocity say v। हमने क्या माना इसके अंदर कि जब इस हॉर्स ने एक एफ अमाउंट का फोर्स कितना 500 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर जब अप्लाई किया तो ये हॉर्स कार्ट सिस्टम एक वी दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी उससे मूव करने लगा। वो वेलोसिटी आपको गिवन है वी दैट इज 36 किलोमीटर पर हार। अब इसको हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो देखें कैसे चेंज होता है, एक किलोमीटर पर हार को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म विद 5/18। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको उस टर्म को कितने से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18। इसका मतलब अगर आप किलोमीटर पर हार से मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हैं तो आपको इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चेक करें कितनी आती है वेलोसिटी, द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड कम्स आउट टू बी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी आपकी, दैट कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। एक किलोमीटर पर हार से अगर आप मीटर पर सेकेंड में गए हैं तो कितना आया आपके पास, 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद द वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। अब चेक करते हैं कि कितना पावर डिलीवर्ड होगा हॉर्स के द्वारा। तो व्हाट इज पावर, आप सभी जानते हैं व्हाट इज पावर, पावर एज यू नो द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क मींस द रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस कितना वर्क कंप्लीट हुआ एक टी इंटरवल ऑफ टाइम में। पावर इज वर्क अपॉन टाइम। नाउ व्हाट इज वर्क, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मोशन में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पावर को पी से दिखा देते हैं, नाउ व्हाट इज फोर्स, दैट इज एफ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एस। नाउ व्हाट इज टाइम, दैट इज टी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इनटू एस बाय टी, तो पावर कम्स आउट टू बी एफ इनटू वी। दिस इज बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चेक करते हैं कि पावर कितनी डिलीवर हुई, कितना फोर्स अप्लाई किया गया, दैट इज 500 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू रखेंगे 500 न्यूटन। नाउ व्हाट इज वी, वी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। पुट करें 10 मीटर पर सेकेंड, तो पावर आ गई आपके पास कितनी, 5000 वॉट। दिस इज बिकॉज 1 वॉट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। पावर कितनी आ गई, 5000 वॉट। इसका मतलब इतनी पावर डिलीवर की गई
इस हॉर्स के द्वारा इस कार्ट के ऊपर, जिससे ये कार्ट कितनी वेलोसिटी से मूव करने लगा, 10 मीटर पर सेकंड से। तो पावर आ गई 5000 वाट। अब इसको किस में हमें फाइंड आउट करना है, हॉर्स पावर में। वी नो दैट 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, 746 वाट। तो 1 वाट कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 1/746 हॉर्स पावर। तो हमने कितने को चेंज करना है, 5000 वाट को। तो 5000 वाट कितने के बराबर होगा, 5000/746 हॉर्स पावर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसको अब आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी आपके पास 6.70 हॉर्स पावर। इसका मतलब इतनी पावर, अगर आप वाट में बात करेंगे तो इतनी पावर डिलीवर की गई उस हॉर्स के द्वारा उस कार्ट में, दैट इज 5000 वाट। और अगर आप हॉर्स पावर में बात करेंगे तो इतनी पावर डिलीवर की गई 6.70 हॉर्स पावर। सो दिस इज द पावर विच इज डिलीवर्ड बाय द हॉर्स टू पुल द कार्ट, उस कार्ट को खींचने के लिए लगाई गई। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट दिस न्यूमेरिकल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो माई डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट आई एम अगेन सेइंग, माई डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट्स, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज ऑल्सो, so that the rest of the students can also take the advantage of this video. So ant mein mere priya vidyarthiyon, agar aapko mera channel, mere videos, mera work pasand aa raha ho, agar mere videos aapki problems ko sort out karne mein, concept ko clear karne mein aapki help kar rahe ho, then please mere channel ko subscribe karna na bhule. dhanyawad.